जो जो अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करना चाहते हैं, रविवार के दिन पंचगव्य से जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, पंचगव्य से ध्यान से सुनेंगे। पंचगव्य जानते हैं? कईयों को तो पंचगव्य ही नहीं पता होगा, कईयों को मालूम होगा। अच्छा, जिस जिसको नहीं मालूम है वो हाथ उठा के बताओ। कौन उठा रहे हैं? जिन्हें मालूम है वो उठा रहे हैं कि जिन्हें नहीं मालूम वो उठा रहे हैं? नहीं मालूम, वाह 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 मेरे प्यारे हो, जियो मेरे लाल, आओ मैं बता देता हूं। पंचगव्य कहते हैं गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ की दूध की दही और उसी का घृत। इन पांचों को पंचगव्य कहते हैं। गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ दूध की दधी, गौ दूध के दधी की माखन, माखन की घी, समझ गए? गौ का ही घी होना चाहिए। इन पांचों को जब आप मिला देंगे तो ये होगा पंचगव्य। दोनों पांचों मिलेंगे। कई लोग तो नाक मुंह सकोड़ रहे, बता महाराज आप घी गोबर में मिलवा रहे हो, हम नहीं मिलवा रहे हैं, वेद मिलवा रहा है। हमारे हाथ में कछु नहीं, हम आप आप थोड़ी मिला रहे हैं। पंचगव्य सबसे पवित्र है, जानते आप? जिन लोगों को अपनी कोई भी महत्वपूर्ण कामना पूर्ण करनी हो उन्हें कम से कम 11 रविवार पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए, शुद्धता से, पवित्रता से। अकेले ना कर सको तो किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान शिव के मंत्रों से, षोडशोपचार से भगवान शिव के वो पंचगव्य से अभिषेक कर दीजिए आप, और फिर देखिए आपका कितना बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है।